अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आदाब। आपको मालूम ही होगा कि जो वाल्टिंग नाड में सानिया हुआ है, कल जो 6 मजदूर यहाँ के शिमला में जांबाग हुए हैं, उसी अस्ना में आज बीजेपी के सीनियर लीडर आबिदुल खान साहब इस वक्त वाल्टिंग नाड में मौजूद है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक सरकार की तरफ से जो है किसी भी चीज़ का मुआवजे वगैरह का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो इस हवाले से बीजेपी का क्या रोल रहेगा। जी आबिद साहब, खैर मुकदम। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये दुख भर सानिया है जो इस समय वाल्टिंग में पेश आया। 18 साल पहले 2005 में यही वाक्या इसी तरह पेश आया, जब बर्फानी तूफान यहाँ पे आया, 100 के करीब 202 लाशें यहाँ के लोकलों ने उनको हेल्प करके। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि कंपनसेट की, उसका एक प्रोसीजर है, उसमें कोई अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसीजर चिनाब वैली के लिए एक्सीडेंटल केस में है, जम्मू में है, वो कौंड वैली के जो इस दुनिया से चल बसे हैं। मैंने डीसी साहब से बात की, मैंने ड्यूकाम साहब से आज अर्ली मॉर्निंग बात की उनसे, तो उन्होंने यही कहा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के तहत आज हम फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, रोड सेफ्टी एक्ट का जो लागू इसमें है उसके तहत फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, सीधे इनके खाते में 4-5 लाख रुपए इनके अकाउंट में जाए। साल गुजरने के बावजूद भी इनके कुछ जो अभी मकान जो है वो पेंडिंग है, इनमें से 153 जो लोग अभी इस जो मेरे इनिशियल रिपोर्ट्स है 2005 में जो वाकया पेश आया, जो फंड्स वाल्टिंग नाड़ के लिए रिलीज हुए उसमें से 40% ग्राउंड में यूटिलाइज हुआ, 60% लोगों के जेब में चले गए, और उस पर पूरी तरह हम कार्रवाई करके रहेंगे। जितने भी 44 क्वार्टर्स पेंडिंग है उन पर भी काम शुरू करवा के रहेंगे, और एसटी कम्युनिटी के जो भी यहाँ पे लोग हैं उनको हम राहत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अवैध साहब, जो जख्मी है इस वक्त शिमला के अस्पताल में, तो उनके लिए क्या? मैं यही कहूँगा, मैं कल ही जम्मू से आया, मैं रविंदर रैना साहब के पास था जो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट है, जब मैंने वाकया सुना तो उन्होंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पे जहाँ पर वो इस समय एडमिट है, तो उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, CMO को फ़ोन करके यही कहा, ये ST के लोग नहीं है, ये रविंदर रैना के भाई है, ये हमारे परिवार के हिस्से हैं, उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट अलर्ट है, हर तरह की सुविधा उनको फ्री आज वहाँ पे है। नाज़रीन, ये थे आबिद हुसैन खान, जिन्होंने डिटेल में बताया कि इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके साथ शाना बशाना खड़ी है, जितने भी मदद पार्टी की तरफ से कोशिश करेंगे हमसे हो सके वो हम करने के लिए तैयार है।